इस क्वेश्चन में सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बनाना है डी फ्लिप फ्लॉप से, क्यू आउटपुट होगा, और जब भी सिंक्रोनस क्लॉक पल्स होगी तो ये स्टेट चेंज करेगा। स्टेट्स दे रखी हैं इस सर्किट के इनपुट पर, इनपुट अगर 0 1 होगा तो स्टेट्स इस तरह से लूप करेंगी 0 0 1 0 0 1 1 1 एंड देन इट रिपीट्स, सो इट विल रिपीट टू 0 0, रिपीट एज 0 0 1 0 एंड सो ऑन। अगर इनपुट 1 0 है तो इस तरह से सीक्वेंस चलेगी आउटपुट की, इनपुट 1 1 है, YZ 1 1 है इनपुट्स, तो सीक्वेंस इस तरह से चलेगी, और 0 0 है तो इट डजेंट मैटर, डोंट केयर करें इसे। और ये इम्प्लीमेंट करना है एंड गेट से, मिनिमम नंबर एंड गेट, और गेट, इन्वर्टर एंड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। और पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, ये इनपुट है, ये यहाँ पे इनपुट है, इस इनपुट से आउटपुट जनरेट होंगे, आउटपुट 1 आउटपुट 2, और जो ये सीक्वेंसेस हैं 0 0 1 0 0 1 1 1, ये सीक्वेंसेस यहाँ पे आएंगी, ये सेलेक्ट होंगी और गेट से। तो फर्स्ट स्टेज ये है कि जो इनपुट है वो इनपुट सेलेक्ट होगा, अगर 0 1 है तो ये वाला इनेबल होगा और ये वाला सीक्वेंस जनरेटर काम करेगा जो ये सीक्वेंस आउटपुट में देगा। अगर इनपुट है 1 0 तो ये वाला सीक्वेंस जनरेटर इनेबल हो जाएगा सेकंड, और आउटपुट देगा, और ये आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगा और गेट से, और एंड गेट से इनेबल के साथ सेलेक्ट होके, अच्छा इनेबल वही यूज़ करेंगे जो इनेबल इसका है, वही इनेबल इन गेट्स का होगा, तो ये इनेबल हो जाएगा और गेट्स से आउटपुट, इन सब का आउटपुट ऐड होके आएगा, और क्योंकि ये इनेबल नहीं होंगे जब ये इनेबल होगा तो इसी का आएगा, ये जीरोस होंगे और ये मैटर नहीं करेंगे आउटपुट पे, सिर्फ यहाँ के आउटपुट्स रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे। ऐसे ही अगर इनेबल 3 है, मतलब 1 1 है, YZ जो कंडीशन दी है वो 1 1 है, तो ये वाली सीक्वेंस आएगी इस जनरेटर द्वारा, तो 1 1 से ये वाला इनेबल हो जाएगा, ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे, ये इनेबल होगा तो यहाँ आउटपुट जनरेट होंगे, आउटपुट जनरेट होंगे और E3 से ये गेट इनेबल होगा और ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो अब सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रही है, सीक्वेंस जनरेटर 1 ऐसे काम कर रहा है कि जो इनेबल है और जो क्लॉक है, क्लॉक सिंक्रोनस मिलेगी तो सिंक्रोनस क्लॉक भी इनेबल के इनेबल से ही अप्लाई की है, ये रहा इनेबल, ये रहा वो इनेबल, ये अंदर गया और इसके अंदर ये सेलेक्ट होगा, इनेबल से ये गेट ऑन हो जाएगा, क्लॉक आगे जाने लगेगी, आगे जाएगी डी फ्लिप फ्लॉप में, ऑन ऑफ यहाँ होगा और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिवाइड होके ऑन ऑन ऑफ ऑफ, ऑन ऑन ऑफ ऑफ होगा, तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा जो कि चाहिए हमको। तो जो सीक्वेंस Q1 की है वो रहनी चाहिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ये Q1 लिखा है और ये 0 1 0 1 लिखा है, Q2 में 0 0 1 1, तो ये डिवाइड करिए फ्रीक्वेंसी बाय 2 तो ये 1 2 हो जाएगा आउटपुट, और ये 1 2 आउटपुट यहाँ पे है और ये 1 1 आउटपुट यहाँ पे है, और ये आउटपुट में रिसीव हो जाएगा अगर इनेबल 1 हुआ तो, और इनेबल 2 हुआ तो इनेबल 2 अगेन क्या करना है हमको, इनेबल 2 में Q1 होना चाहिए 0 1 1 0 और Q2 होना चाहिए 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 तो इसका आउटपुट है वो ऑलरेडी हम लोग ले लेंगे, Q2 is on off so that can be generated by D flip flop, और Q21 जो ये वाला आउटपुट है ये आउटपुट जाएगा कैसे, बनेगा कैसे, ये सीक्वेंस 1 जनरेटर में ये पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न, Q21 क्या है, ये वाला पैटर्न सेकंड सीक्वेंस जनरेटर का फर्स्ट कॉलम जो है 0 1 1 0, ये जोर गेट है, जोर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनपुट्स जनरेट करेंगे आउटपुट ऑफ सीक्वेंस जनरेटर 1, वो इनपुट सेट करेंगे और जोर गेट में लगा देंगे, जोर गेट एंड और नॉट गेट से ऐसे बनाया जा सकता है, तो ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर ये पूरा ब्लॉक जाएगा और ये हमारा फर्स्ट वाला कॉलम इम्प्लीमेंट कर देगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला तो फर्स्ट का ये वाला पार्ट ही है,
एंड थर्ड जो सीक्वेंस जनरेटर है उसमें रिक्वायरमेंट है Q1 और Q2 की, Q1 0011 होना चाहिए। अगेन नोट करेंगे ये हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं 0011, तो ये वाला जो है इसका जो Q12 है वो Q12 अब हमको Q31 मतलब फर्स्ट वाली आउटपुट में भेजना है। ये हो जाएगा सीक्वेंस जनरेटर 1 से, और सीक्वेंस जनरेटर 2 इसलिए लिया है क्योंकि ZOR गेट का आउटपुट चाहिए, और ZOR गेट का आउटपुट हम सीक्वेंस जनरेटर 2 में बनाना सीख गए, तो वो जो Q21 है वो Q21 ना हो, Q31 जाना चाहिए। तो एक आउटपुट इसका और एक आउटपुट इसका इसमें सीक्वेंस जनरेटर 3 के आउटपुट्स में आ रहा है, तो उसको या तो टैप कर लेंगे या आप वापस इंप्लीमेंट कर लेंगे। थोड़ा सा इनफिशियंट है पर ये 3 ब्लॉक्स लगेंगे इस जनरल सर्किट के अंदर, और जैसे ही जनरल सर्किट के अंदर वो वाले 3 ब्लॉक्स यहाँ लगा दिए तो जो रिक्वायर्ड आउटपुट सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इनपुट वाई जेड वो सीक्वेंस मिल जाएगी विद द क्लॉक। तो क्लॉक यहाँ पे एम्बेडेड है सर्किट में, ये रही क्लॉक यहाँ भी क्लॉक है, ये कॉमन क्लॉक है। यहाँ क्लॉक इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि क्लॉक इस सर्किट्स की है यहाँ पे।